हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आई अल्फाबेट के जितने भी मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स रहे हैं CHSL, CGL, CPO या MTS में, उनको। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को जरूर से जरूर देखना, पूरी क्लास देखना, आपको जरूर अच्छी लगेगी और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको क्लास समझ में आए, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। आज से हम जो है पहले जितनी भी क्लास कर चुके हैं, अगर आपने उन क्लासेस को मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जरूर देखना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आई अल्फाबेट से जितने भी मोस्ट रिपीटेड वर्ड रहे हैं आज तक प्रीवियस ईयर SSC में, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका इग्ड। एक वर्ड आया या इग्ड आया, ठीक है, इसका मतलब होता है एनॉयड या पीव्ड, जिसको हम कहते हैं, जैसे आप बोलते हो ना कि डोंट एनॉय मी, या फिर एनॉय मतलब चिढ़ाना, किसी को परेशान करना, तंग करना, जिसको पीव्ड भी बोलते हैं, पीविश भी बोलते हैं। पीविश मतलब चिड़चिड़ा होता है। तो कभी भी ये वर्ड आया इर्क या तो इर्ग्ड, उनका मतलब क्या होता है, एनॉय होता है या तो पीव्ड होता है, या तो पीविश तो चिड़चिड़े के लिए यूज़ करेंगे, पीव्ड आप बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं चिढ़ाना, परेशान करना। नेक्स्ट है इररेवरेंस। रेवरेंस वर्ड का मतलब रिस्पेक्ट होता है, जिसको हम आदर कहते हैं। इररेवरेंस इसका उल्टा हो जाएगा, जिसको हम डिसरिस्पेक्ट करना कहेंगे, किसी भी चीज़ का, किसी का भी अनादर या अपमान करना इररेवरेंस कहलाता है। तो सिर्फ अगर रेवरेंस आए तो इसका मतलब रिस्पेक्ट करना, इररेवरेंस डिसरिस्पेक्ट करना, इतना ही बेसिक डिफरेंस है, दोनों सिनोनिम एंटोनिम बन जाएंगे, ठीक है। तो इररेवरेंस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, या तो आप जिसको कह सकते हो प्रोफेन भी, प्रोफेनिटी भी कह सकते हो, जिसको हम कहते हैं अनादर करना, ठीक है। नेक्स्ट है इनविंसिबल। एंड इनविंसिबल वर्ड आपने पढ़ा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी, जिसका मतलब होता है जिसको जीता ना जा सके, ठीक है, जो चीज़ें कॉन्क्वायरेबल ना हो, जिसको हम जीत ना सके, इनविंसिबल कहलाती है, ठीक है, जिसको अनकॉन्क्वायरेबल कहते हैं, या तो अनबीटेबल जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम जीत ना सके, जो चीज़ें जीतने योग्य ना हो या जीता ना जा सके, अनकॉन्क्वायरेबल, या तो अनबीटेबल, या तो इनविंसिबल बोलते हैं। और ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो इम्पॉर्टेंट ही समझना। नेक्स्ट है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मतलब जो चीज़ें होती है डिफ़िकल्ट, जिसको समझना मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। और इसका अपोजिट जो चीज़ें सिंपल हो, ईजी हो, ठीक है। तो याद रखना इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट या तो कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम कठिन या मुश्किल कहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रीग। इंट्रीग वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसका मतलब होता है स्कीम या कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। कभी भी ये वर्ड आए इंट्रीग, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी षड्यंत्र, जैसे आपने समझ सुना होगा, इसको स्कीम कहते हैं एंड कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। कॉन्स्पिरेसी और स्कीम षड्यंत्र कहलाता है। जैसे कि आपने टीवी में देखा होगा कि कोई किसी के खिलाफ कोई प्लान करता है, षड्यंत्र रचता है, ठीक है। तो किसी के बारे में कोई भी उल्टा सीधा प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, स्कीम बनाना, कॉन्स्पिरेसी करना, आप इसको इंट्रीग कह सकती हैं, ठीक है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका इंट्रिंसिक। इंट्रेंसिक जितने भी आई अल्फाबेट के वर्ड्स हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंट्रेंसिक कभी भी आए, इसका मतलब जो चीज़ें महत्वपूर्ण हो, इसेंशियल हो, फंडामेंटल हो, जो चीज़ें महत्वपूर्ण जरूरी हो, उसको हम कहते हैं इंट्रेंसिक, ठीक है, जिसको हम इसेंशियल कह सकते हैं, फंडामेंटल कह सकते हैं, जिसको हम महत्वपूर्ण कह सकते हैं, वो होती है आपकी इंट्रिंसिक। नेक्स्ट है इनविक्टिव, ठीक है। इनविक्टिव का मतलब क्या होता है, इनविक्टिव का मतलब है किसी को भी अब्यूज़ करना, उसकी इंसल्ट करना। जैसे आप बोलते हो ना कि डोंट यूज़ एब्यूसिव लैंग्वेज, एब्यूज़ मतलब किसी को गाली गलौज करना, या तो किसी को भला बुरा कहना, किसी का भी अपमान करना, अनादर करना, क्या कहलाता है, इनविक्टिव कहलाता है। किसी को भी एब्यूज़ करना, उसकी इंसल्ट करना, मतलब भला बुरा कहना, या तो उसका अपमान करना, ये दोनों ही आप कह सकते हो इन्वेक्टिव के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आई अल्फाबेट्स के, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टिल।
कभी भी इंस्टिलाइज का मतलब होता है इम्प्लांट करना, किसी भी चीज़ को स्थापित करना, बेसिकली हिंदी मतलब है किसी भी चीज़ को लगाना या उसको स्थापित करना। जैसे होता है ना, आप कोई भी चीज़ इम्प्लांट कराते हो या पौधों को ही आपने इम्प्लांट करा, तो कहने का मतलब है किसी भी चीज़ को इम्प्लांट करना या किसी भी चीज़ को आप इस्टेब्लिश करना भी कह सकते हो, जिसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ को स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनसॉल्वेंट। एंड अगेन इनसॉल्वेंट वर्ड आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। इनसॉल्वेंट हम उसको कहते हैं वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, जो व्यक्ति अपना कर्ज ना चुका पाए, मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया हो, जो दिवालिया हो गया हो, उसको कहते हैं। और इसके लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड अगर मैं बताऊँ तो बैंकरप्ट होता है, बैंकरप्ट भी इसके लिए हम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बैंकरप्ट भी कहते हैं, या तो बहुत ज़्यादा पैसे की कमी हो जाना, गरीबी, तो उसको हम आप बोल सकते हो, पॉवर्टी भी बोल सकते हो, पॉपर भी बोल सकते हो। तो ऐसा वो स्थिति जब व्यक्ति अपना कर्ज ही ना चुका पाए, तो पैसे की कमी अभाव से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसको हम पॉपर भी बोलते हैं, जिसको हम दिवालिया कहते हैं। दिवालिया हो जाना मतलब पैसे की कमी से कर्ज ना भर पाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंसिपिड। इंसिपिड वर्ड का मतलब होता है टेस्टलेस हो, जो चीज़ें स्वादहीन हो, रसहीन हो, नीरस टाइप की हो, डल हो, उसको हम इंसिपिड कहते हैं, जिसको हम डल कहते हैं एंड टेस्टलेस कहते हैं, जिसको हम फीका कह लो, बेस्वाद का कह लो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड जो है अगेन इम्पॉर्टेंट है, इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज का मतलब होता है उल्लंघन करना। जैसे कि आपने सुना होगा कि रूल का वॉयलेशन मत करो, ब्रीच ऑफ लॉ, आपने सुना होगा ब्रीच हो या वॉयलेशन हो, इंक्रोचमेंट हो, ये सारे वर्ड्स किसी भी चीज़ का उल्लंघन करने के लिए यूज़ होते हैं या किसी भी चीज़ को, नियम कानून को तोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। तो इन्फ्रिंज वर्ड का मतलब ही सेम है, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉयलेट करना कहते हैं या तो ब्रीच करना कहते हैं, जिसको हिंदी में उल्लंघन करना कहते हैं। किसी भी कानून का, किसी भी लॉ का, किसी भी चीज़ का, किसी भी नियम कायदे कानून का उल्लंघन करना आपका कहलाता है इनफ्रिंज। नेक्स्ट है आपका इमैक्युलेट। एंड इमैक्युलेट का मतलब होता है जो चीज़ें बिना दाग की हो, स्पॉटलेस हो, जिसमें जो चीज़ें बिल्कुल क्लीन हो, साफ सुथरी हो, जिसमें कोई भी कहीं भी दाग धब्बा ना हो, स्पॉटलेस जो चीज़ें हो वो क्या कहलाती है, इमैक्युलेट कहलाती है। स्पॉटलेस या अनसलिड इम्पॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लेना। इसका मतलब भी होता है बिना दाग धब्बे का, बिल्कुल शुद्ध, साफ सुथरा, बिल्कुल पवित्र। नेक्स्ट है आपका इमेंस। इमेंस मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, इनॉमस, जाइंट, गिग्नेटिक, बहुत ही ज़्यादा बिग साइज की जो चीज़ें हो उसको इमेंस कहते हैं। ठीक है, इमेंस मतलब होता है ह्यूज, या तो गिग्नेटिक लिख लो, बहुत बड़ा जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है एमिनेंट। एमिनेंट क्या होता है इसका मतलब, जो चीज़ें बहुत पास की हो, नियर बाय हो, जो चीज़ें बहुत पास की हो उसको एमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो एमिनेंट कभी भी इसको हम बोलते हैं जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नियर हो या बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, जिसको कहते हैं बहुत ही ज़्यादा पास जो चीज़ें हो, बहुत आने वाली, बिल्कुल साथ में हो, उसको एमिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट है इम्पेयर। इम्पेयर करना, इम्पेयर करना मतलब किसी भी चीज़ को हानि पहुंचाना, नुकसान करना, उसको क्षतिग्रस्त करना, या जिसको हार्म कहते हैं, डैमेज करना कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी आया इम्पेयर, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को हार्म करना या तो उसको डैमेज करना, जिसको हम कहते हैं नुकसान पहुंचाना या फिर खराब करना। देखो आगे एक वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इंसिनुएट। अगेन मैं कह रही हूँ, जो भी आई वर्ड्स के, जो भी आप ये पढ़ रहे हैं, वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो हमेशा इसको ध्यान से पढ़ना और नोट डाउन करना। इंसिनुएट सजेस्ट करना, हिंट करना, इंडिकेट करना, मतलब किसी को भी इशारा करना, इंकित करना, किसी कुछ बताना। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सजेस्ट करना या तो हिंट देना, जिसको इशारा या संकेत देना कहते हैं। इंडिकेट करना, जैसे आप कहीं रोड पे जाते हैं तो लाइट आपको इंडिकेशन के लिए दी जाती है ना, जब गाड़ी चलाते हैं तो किसी चीज़ का आपको हिंट दे दिया जाता है तो आप समझ जाते हैं। तो हिंट, इंडिकेट, या तो जिसको हम कहते हैं सजेस्ट करना। नेक्स्ट है इम्पेडिमेंट। एंड इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा, विघ्न, बाधा, जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल्स, ये सारे वर्ड हम यूज़ करते हैं ना किसी चीज़ में रुकावट, बाधा के लिए, तो इम्पेडिमेंट भी उन्हीं में से है, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टिकल, जिसको हम कहते हैं बाधा,
नेक्स्ट है इम्पायस। इम्पायस का मतलब, पायस वर्ड का मतलब पवित्र होता है, इम्पायस का मतलब अपवित्र होता है, जो चीज़ें अनहोली हो, अनसेकर्ड हो उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो पायस का मतलब पवित्र, इम्पायस आ गया तो अपवित्र, जिसको अनहोली बोल दो, या तो आप इरिलीजियस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनकम्पिटेंट। इनकम्पिटेंट का मतलब अयोग्य होना होता है, किसी भी चीज़ में अनाड़ी होना, जिसके पास में कोई स्किल ना हो, अनस्किल्ड हो, इनएप्ट हो, मतलब जो चीज़ें कोई मतलब अच्छे से ना कर पाए, जो कुशल ना हो, निपुण ना हो किसी चीज़ में, उसको कहते हैं। तो इनकम्पिटेंट का मतलब होता है अनस्किल्ड या तो इनएप्ट, जिसको हम कहते हैं अकुशल। नेक्स्ट है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है जो चीज़ें आप कभी टाल ना पाएँ, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनएविटेबल मतलब जो चीज़ें आप अवॉइड ना कर पाओ, जैसे अब रात होगी तो आप उसको टाल नहीं सकते, रात होनी है तो होगी ही, दिन होना है तो होगा ही, बारिश होनी है तो होगी ही, जो चीज़ें आप टाल ना पाएँ वो इनएविटेबल है। अनअवॉइडेबल या तो जो चीज़ें सर्टेन है या तो श्योर है, ठीक है, जो चीज़ें अवॉइड ना कर पाएँ, अनअवॉइडेबल। टेन, निश्चित। नेक्स्ट है इनकॉन्ग्रेस। इनकॉन्ग्रेस वर्ड, बिना मेल की जो चीज़ें हो, बेमेल की हो, जो चीज़ें विरुद्ध हो, विपरीत हो, बिना मेल की हो, वो इनकॉन्ग्रेस कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्ररी बोलते हैं, ऑड बोलते हैं, जो चीज़ें विपरीत हो, जो चीज़ें विरुद्ध हो, डिससिमिलर कह सकते हैं, जो चीज़ें विपरीत या विरुद्ध हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पर जो थी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। आई अल्फ़ाबेट के जितने भी मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स रहे हैं प्रीवियस ईयर में आई अल्फ़ाबेट से, वो आप आज की क्लास में मैंने कंप्लीट करा दी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ए टू जेड की सीरीज़ जेड तक कम्प्लीट होगी, तो देखते रहना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।